नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एवरग्रीन हिंदी सिनेमा। दोस्तों, रोज की तरह आज की हमारी इस नई वीडियो में आपका स्वागत है। हिंदी सिनेमा के दमदार अभिनेता जिसने हिंदी फिल्मों को मुकाम दिया, भाषा को तहजीब दी, जिसे भगवान से दौलत शोहरत इज्जत बेशुमार दिया, लेकिन ऐसे इंसान ने क्यों अपनी पत्नी को धोखा देकर दूसरी शादी कर ली थी? क्यों एक पाकिस्तानी महिला से चोरी छुपके से शादी कर दुनिया से झूठ बोलते रहे थे? दिलीप कुमार आखिर क्यों अपनी दूसरी शादी को मीडिया से छुपाकर सबको झूठ बोलते रहे थे? दिलीप कुमार हिंदी सिनेमा के एक दिग्गज कलाकार थे। दिलीप कुमार यूसुफ खान ने सिर्फ 54 फिल्में करके अपने करियर में वो मुकाम हासिल किया जो कई एक्टर 100 फिल्में करके भी नहीं हासिल कर पाते थे। एक समय ऐसा था जिसमें दिलीप कुमार की मौजूदगी को ही सफलता की गारंटी माना जाता था। दिलीप कुमार कई हिंदी सिनेमा एक्टर के लिए आइडल बने हुए थे, लेकिन क्या हो गया जब एक ऐसा इंसान कुछ ऐसा कर डाले जिन पर नाज करने के बजाय शर्मिंदा होना पड़े? आज हम बात करेंगे एक ऐसे ही किस्से के बारे में, जानेंगे दिलीप साहब की शानदार छवि को दागदार कैसे कर दिया गया। दिलीप कुमार साहब ने खुद से 22 साल छोटी सायरा बानो से शादी कर उनकी शादी के 15 साल बाद अचानक ऐसा क्या हुआ कि एक दूसरी औरत की वजह से दिलीप कुमार ने अपनी पत्नी सायरा बानो को छोड़ दिया? आपको बता दें कि छोटी उम्र में ही सायरा बानो दिलीप कुमार की फैन थी और एक आम फैन की तरह उनकी दीवानगी भी थी। सायरा बानो मशहूर एक्ट्रेस नसीम बानो की बेटी थी जो 1930 से लेकर 1940 के दशक की मानी जाती थी। हीरोइन थी और दिलीप कुमार के सतहस भी कई फिल्मों में काम किया था। दिलीप कुमार और नसीम बानो की अच्छी जान पहचान थी और जब वे पड़ोसी बने तो एक दूसरे के घर आना जाना बना रहता था। नसीम बानो ने अपनी बेटी को पढ़ने के लिए लंदन भेज दिया। जब उनकी बेटी पढ़ाई पूरी करके भारत आई तो बॉलीवुड में उनकी एंट्री के लिए माँ ने उनकी पूरी तरह से पहले ही तैयार कर रखी थी। सायरा ने शम्मी कपूर के साथ फिल्म जंगली से अपनी शुरुआत की थी जो कि सुपरहिट रही और सायरा रातों रात स्टार बन गई। सायरा को उस समय में एक के बाद एक फिल्में मिलने लग गई थी जिसमें सबसे ज्यादा राजेंद्र कुमार के साथ उनकी फिल्में शामिल थी। कुछ समय बाद दोनों की शादी हो गई। दिलीप कुमार का घर पूरी तरह से बस नहीं पाया, यानी सायरा माँ नहीं बन पाई। दिलीप कुमार की बहनें चाहती थी कि दिलीप कुमार दूसरी शादी कर ले। दिलीप कुमार की आसमा बहुत बड़ी फैन थी और साथ ही वो शादीशुदा और 3 बच्चों की माँ भी थी, लेकिन बहुत सुंदर थी और उनकी बहनें भी चाहती थी कि दिलीप कुमार आसमा से शादी कर ले। कुछ समय बाद आसमा ने अपने पति को तलाक दे दिया और दिलीप साहब ने शादी कर ली, लेकिन वो अपने रिश्ते को दुनिया के सामने कभी नहीं ला सके। दोस्तों, आप क्या कहना चाहेंगे सायरा बानो और दिलीप कुमार के इस रिश्ते के बारे में? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही तमाम ऐसी और अपडेट्स को पाने के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें और इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें।